दोस्तों नमस्कार। बातें साहित्य की चैनल में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, चंद वरदाई कृत पृथ्वीराज रासो के 27वें संयोग रेवा तट संयोग के 5वें भाग को लेकर आज हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित हैं। मित्रों, अब तक इस श्रृंखला के 4 वीडियो प्रसारित किए जा चुके हैं, जिनमें 41 छंदों तक की चर्चा की जा चुकी है। आज इस 5वें भाग में हम 42वें छंद से आगे के छंदों को देखेंगे। तो आइए मित्रों, चलते हैं 42वें छंद की ओर। शाम आरूफ ततार शान खिलची बरगठे चामर छत्र भुजक गोल सेना रचिगठे नारी गोरी जंबूर सुबर की ना गज सारम नूरी शाह हुज्जाब नूर महमूद सिर भारम वजीर शान गोरी सुभर शान शान हजरत तिशा व्यसेन सज्जी हरबल करिए तहां उभो सजिरत तिशा। मित्रों, ततार अर्थात तातार देश का रहने वाला। मित्रों, तातार तुर्क थे। तुर्क जाति की दो मुख्य शाखाएं तातार और मंगोल हैं। शिलची अर्थात खिलजी ये तुर्कों की प्रशाखा में है। खिलजियों का संबंध तातारियों और मुगलों से मिलना अनिश्चित है। गठे एकत्र होना चामर छत्र अर्थात चावर और छत्र मुजक्क। मित्रों, यह अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है फल अथवा पहचान। गोल यह भी अरबी शब्द है जिसका अर्थ है विभाग या व्यूह। नारी अर्थात नालिक अर्थात बड़ी तोप। गोरी गोली अथवा गोला। जंबूर अरबी शब्द है जिसका अर्थ है छोटी तोप। सुबर अर्थात सुसज्जित किया। गज सारम अर्थात गज विभाग को। हुजाब अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है खवासों का सरदार। सिर भारम अर्थात सिर पर भार रखा या उत्तरदायित्व सौंपा। वजीर यह वजीरस्तान का निवासी हो सकता है अथवा तबकाते नासरी वाला असदउद्दीन शेर वजीरी यह हो सकता है। वी अर्थात दूसरी। सेन सज्जी सेना सजाई। हरबल यह तुर्की भाषा का शब्द है जो हरावल के लिए आता है अर्थात सेना का अग्रभाग। उभो अर्थात उपस्थित था। मित्रों, प्रस्तुत छंद में चंद्रवरदाई लिखते हैं शाम आरूप ततार शान खिलची वरगठे चामर छत्र मुजक्क गोल सेना रचिगठे। अर्थात तातार मारूफ खां और खिलची खां मिल गए, सेना को व्यूहबद्ध किए वे खड़े थे और उनके ऊपर चंवर और छत्र था जिसके द्वारा वे पहचाने जा सकते थे। नारी गोरी जंबूर सुबर की ना गज सारम नूर ईशा हुज्जाब नूर महमूद सिर भारम। हुज्जाब नूरी खां और नूर मोहम्मद को बड़ी बड़ी तोपों गोलों छोटी तोपों और हाथियों के विभाग का उत्तरदायित्व सौंपा गया। गोरी के वीर योद्धा वजीर खां ने और खान खाना हजरत खां ने दूसरी सेना का हरावल सजा दिया। वजीर शान गोरी सुबर शान शान हजरत तिशा व्यसेन सज्जी हरबल करिए तहां उभो सजरत तिशा। वहां सजरत अर्थात शजरत खां भी उपस्थित था। मित्रों, इस प्रकार शाह की अबाई का समाचार सुनकर 50,000 सेना के साथ चंद पुंडीर ने नदी का नाका जा बांधा है और मुझे आपके पास भेजा है, ऐसा दूत ने आकर के कहा। चंद पुंडीर को रास्ते में डटा हुआ देखकर शाहबुद्दीन ने मारूफ खां ततार खां खिलची खां नूरी खां हुजाब खां मोहम्मद खां आदि सरदारों ने गोष्ठी करके अपने सरदारों को दो भागों में बांटा है। महमूद खां मंगोल लल्लरी सहबाज खां जहांगीर खां आदि सेना नायकों और निज पुत्र सहित एक सेना को लेकर सुल्तान ने तो चिनाब पार करने की तैयारी की और आलम खां मारूफ खां उजबक खां आदि 30 यवन वीरों को कुछ सेना सहित उस पार अपनी सहायता के लिए रखा। मित्रों, आगे बढ़ते हैं छंद 43। रचि हरबल सुरतान साहिजादा सुरतानम शाह पैदा महमूद वीर बंध्यो सुबिहानम शाह मंगोल लल्लरी 20 टंकी बर संचे चौतेगी सब्बाज बान अरिप्राण सुअंचे जहगीर शान जहगीर बर शाह हिंदु बर बर बिहर पश्चिमी शान पठान सह रच उपभय हर बल गहर।
शाह पैदा महमूद सुल्तान गोरी के सहजादे का नाम है वीर सैनिक बंध्यो कतार में बांधकर खड़ा किया। विहानम प्रातःकाल, टंकी अर्थात तलवार या खंजर, संचय खींचने वाला या बांधने वाला, चौतेगी चार तलवारें बांधने वाला, बाण बाण अरे प्राण सुअंचे उनसे शत्रुओं के प्राण खींचने वाला, जहगीर शान जहांगीर खां, जहगीर अर्थात जहांगीर अर्थात विश्व विजयी, हिंदू शाह ख्वारजम और खुरासान के सुल्तान तकिश का पोता और मलिक शाह का ज्येष्ठ पुत्र था। उसने अपने चाचा सुल्तान महमूद से खुरासान का सूबा लेना चाहा था परंतु असफल रहा। अंत में अपने देश के शत्रु सुल्तान गौरी के यहाँ उसने नौकरी कर ली, इसलिए शहाबुद्दीन के अन्य अफसरों के साथ उसका भी नाम आया है। पश्चिमी शान या पश्चिमी दिशा का खां हो यह संभव है, अथवा यह भी संभव है कि इसका नाम पश्चिमी खां ही रहा हो। पठान सह पठानों के साथ बिहर दगाबाज। रचे हरबल सुल्तान साहिजादा सुल्तानम, शाह पैदा महमूद वीर बंधियो सुबिहानम। सुल्तान ने हरावल रचा और सुल्तान के सहजादे खां पैदा महमूद ने प्रातःकाल ही वीरों को एक कतार में बांध लिया। शाह मंगोल लल्लरी 20 टंकी बर संचे, चौतेगी सब बाज बान अरि प्राण सु अंचे। 20 खंजरों को खींचने वाला खां मंगोल लल्लरी, चार तलवारों को बांधने वाला तथा बाणों से शत्रुओं के प्राण खींचने वाला सब्बाज, विजयी जहांगीर खां, दगाबाज हिंदू खां, पश्चिमी खां तथा पठान हरावल रचकर उपस्थित हुए। जयगीर शान जयगीर बर शाह हिंदू बरबर बिहर, पश्चिमी शान पठान सह रचि उपभे हरबल गहर। आगे चंद्रवरदाई लिखते हैं चंद चंबालीस में, रचि हरबल पठान शान इसमान रुगसर, केली शाह कुंजरि साह सारी दल पश्चर। शाह भट्टी महनंग शान शुरसानी बब्बर, हवस शान हवसी हुजाब ग्रब्ब आलंभ जासबर। तिन अग्ग अठ गजराज बर मद सरक पट्टे तिना, पंच बिन पिंड जो उपजे जुद्ध होई लज्जी बिना। मित्रों, गश्शर पृथ्वीराज राजों में गश्शर और शोशर नाम के उल्लेख अनेक स्थानों पर आए हैं। ये दो भिन्न पहाड़ी जातियां थी। अनेक लेखकों ने खोखर और गखर को एक ही मान लिया है। साह सारी दल शशर अर्थात शाह का जिरह बख्तर वाला दल या सेना। भट्टी राजपूतों की एक जाति जो ईस्वी सन 15 में गजनी से आई और पंजाब में बसी तथा वहां से पश्चिमी राजपूताना पहुंचकर 731 ईस्वी में तनौट बसाया। शुरशानी खुरासान देश का हबस अरबी शब्द है जिसका अर्थ है हबसी, ग्रब गर्व, आलम अर्थात आलम अर्थात संसार, सरक स्रवित होना अथवा चूना, पट्टे तिना कनपटी, पंच अर्थात पंचतत्व, पिंड शरीर, युद्ध अर्थात युद्ध या योद्धा, लज्जी अर्थात लज्जा। रचि हरवल पठान शान इस्मान रुगसर, केली शां कुंजरी साह सारी दल पश्चर। अर्थात इस्मान खां के पठानों और गखरों के हरावल रचते ही केली खां कुंजरी ने शाह की जिरह बख्तर से सज्जित सेना का संचालन किया। शाह भट्टी महनंग शान शुरसानी बब्बर, हवस शान हबसी हुजाब ग्रब आलंब जासबर। अर्थात खां भट्टी महनंग खां खुरासानी बब्बर और संसार में सबसे अभिमानी हबशियों का सरदार हवस खां वहां थे। तिन अग्ग अठ गजराज बर मद सरक पट्टे तिना, पंच बिन पिंड जो उपजे युद्ध होई लज्जी बिना। अर्थात उनके आगे 8 श्रेष्ठ गजराज थे जिनकी कनपटियों से मद जल स्रवित हो रहा था। यह शरीर यदि पंच तत्वों का मोह छोड़ दे तभी युद्ध में लज्जा बच सकेगी अर्थात तभी योद्धा की लज्जा की रक्षा हो सकेगी। छंद 45, करितमा इचो साहि तीस तह रस्सी फिरस्ते, आलम शाह आलम गुमान
शान उज्बक निरस्ते, लहु मारूफ गुमस्त शान दुस्तम बजरंगी, हिंदुसेन उपरे साही बज्जे रन जंगी, सहसेन टारी सोरा रचो साही चिन्हाब सु उत्तरयो, संभले सूर सामंत नृप रोस वीर वीरम ढुर्यो। मित्रों तमा फारसी शब्द है अर्थात तमाम अर्थात पूरा अथवा कुल, चौ अर्थात चार, साही अर्थात शाह रश्य रखकर, फिरस्ते फारसी शब्द है जिसका अर्थ है देवदूत, निरस्ते अर्थात निर्वासित, गुमान फारसी शब्द है जिसका अर्थ है राय अथवा विचार, आलम अर्थात संसार, आलम गुमान संसार का गर्व अथवा विश्व में सबसे अधिक अभिमानी, लहू अर्थात लघु अर्थात छोटा, गुमस्त फारसी शब्द है जिसका अर्थ है एजेंट अथवा उपनायक, वज्रंगी अर्थात वज्र के समान अंगों वाला अर्थात पहलवान, साही बज्जे रण जंगी अर्थात शाह ने जंग बजा दी अर्थात कठिन चढ़ाई कर दी, सोरा रचो अर्थात शोर करते हुए, सोरा फारसी शब्द है उतरियो उतरा अथवा पार किया, संभले सूर अर्थात सांभर का शूरमा अर्थात पृथ्वीराज, रोस अर्थात क्रोध, वीर वीरम अर्थात वीरों में वीर अर्थात पृथ्वीराज, धुर्यो फूट पड़ा, जंगी जबरदस्त, बज्जे रणजंगी अर्थात जबरदस्त रण बजा दिया अर्थात भयानक चढ़ाई कर दी। मित्रों करी तमाई चौसाही तीस तहरस्य फिरस्ते, आलम शाह आलम गुमान शान उजबक निरस्ते, अर्थात चार भागों को पूर्ण कर शाह ने 30 अफसर नियुक्त किए जिनके साथ विश्व में अभिमानी आलम खां निर्वासित उजबक खां, उपनायक छोटा मारूफ और पहलवान दुस्तम खां थे। लहु मारूफ कुमस्त शान दुस्तम वज्रंगी, हिंदुसेन उपरे साहिब जे रणजंगी, शाह ने अपने इन सैनिकों के साथ हिंदुओं पर कठिन चढ़ाई कर दी। सहसेन टारी सोरा रचो साही चिन्हाब सु उत्तरियो, संभले सूर सामंत नृप रोस वीर वीरम ढुर्यो। अर्थात शोर मचाते हुए उसने अपनी सेना को आगे बढ़ाया है और इस प्रकार चिनाब नदी पार की है। मित्रों दूत की यह बात सुनकर सांभल के शूर सामंतों के स्वामी और श्रेष्ठ वीर पृथ्वीराज का क्रोध फूट पड़ा। तमसी तमसी सामंत सब रोस भरिग पृथ्वीराज, जब लगी रूप पुंडीर ने रोक्यो गोरी साज। तमसी तमसी अर्थात क्रोध युक्त होकर रोस भरिग रोस में भर गए, रूपी अर्थात जमकर या डटकर, गोरी साज अर्थात गोरी का दल। तमसी तमसी सामंत सब रोस भरिग पृथ्वीराज अर्थात सभी सामंत क्रोधित हो उठे और पृथ्वीराज रोस से भर गए, जब लगी रूपी पुंडीर ने रोक्यो गोरी साज। और इस अरसे तक इस समय तक चंद पुंडीर ने गोरी की सेना को डटकर रोका। छंद 47 से छंद 51 तक भुजंगी छंद है, आइए देखते हैं। जहां उत्तरयो साही चिन्हाब मीरम, तहां नेज गड्ड्यो ठटुक्खे पुंडीरम, करी आनी साहाब सा बंधी गोरी, धके धींग धींगम धकावे सजोरी, दो दीन दीनम कड़ी बंकी अस्सी, किधो मेघ में बीज कोटि निकस्सी, किए सिपरम कोरता सेल अग्गी, किधो बद्दरम कोर नागी ननग्गी, हबक्के जुमे छम भ्रमंतम जो छुट्टे, मनो घेरनी घुम्मी पारे वतुट्टे, उरम फुट्टी बरछी बरम छब्बिनासी, मनो जाल में मीन अद्धी निकासी, लटक्के जुरमनम उड़े हंस हल्ले, रसम भीज सूरम चबकगान शिल्ले, लगे सीस नेजा भ्रमे भेज तथ्यम, भशे बाई संभात दीपत्ति सत्यम, करे मार मारम महावीर धीरम, भये मेघ धारा बरसंत तीरम, परे पंच पुंडीर सा चंद कढ्यो, तबे साही गोरी चिन्हाव चढ़्यो। मीरम अर्थात सेना नायक, मीर नेज अर्थात नेजा या बरछी,
यह एक फारसी शब्द है, ठठुक्के अर्थात ठिठके हुए, पुंडीर पुंडीर वंशी के लिए आया है, करी अर्थात की या ठीक की, आनी आज्ञा, सजोरी बलपूर्वक, दीन अर्थात धर्म अरबी शब्द है, दीन दीनम दीन दीन चिल्लाते हुए, कढ़ी अर्थात निकाली, बंकी अर्थात वक्र या टेढ़ी, अस्सी अर्थात असी अर्थात तलवार, बीज बिजली, बीज कोटि निकसी अर्थात करोड़ों बिजलियां निकल आई, सिपर फारसी शब्द है अर्थात सिपर अर्थात ढाल, कोर अर्थात छेद कर, सेल अर्थात बच्ची, अग अगली, बद्दरम बादल, नागिन अर्थात अनगिनती, नग्गी अर्थात पर्वतों की चोटियां, हबक्के हबक कर, मेछम मलेच्छ, भ्रमंतम जो छुट्टे अर्थात छूटकर जो घूमे अर्थात अपनी सेना से उन्होंने हिंदुओं को घेरा, घेरनी एक पक्षी है, घुम्मी घूमकर, पारेव अर्थात पारावत अर्थात कबूतर, तुट्टे टूटना या झपटना, उरम फुट्टी वक्षस्थल को फोड़कर, लटक के जुरन्नम एक दूसरे से जुड़े हुए अर्थात एक दूसरे से संबद्ध, उड़े हंस हल्ले हंस की तरह शोर करते हुए उड़े, रसम भीजी रस में भीग कर, सूरम शूरवीर, चवकगान चौगान, भ्रमे भेज तथ्यम अर्थात वहीं पर भेजा निकल पड़ता है, भशे खाता है, बाईसम अर्थात वायस अर्थात कौवा, भात उबले हुए चावल, दीपत्य सत्यम अर्थात प्रसन्नता के साथ, महावीर धीरम धैर्यवान महान योद्धा, वरषंत बरसते हैं, परे अर्थात गिरने पर, पंच पुंडीर पुंडीर वंशी पांच वीर, चंद कढ़ो अर्थात चंद पुंडीर निकल आया अर्थात हट गया अर्थात मुकाबला छोड़ दिया, चिन्हाव चढ़ो चिन्हाव नदी पार की, जहां उत्तरयो साहि चिन्हाव वीरम, तहां नेज गड्यो ठठुक्के पुंडीरम, करी आनी साहाव सा बंधी गोरी, धके धींग धीगम धकावे सजोरी, अर्थात जहां पर गोरी के सेना नायकों ने चिनाब नदी पार की वहीं पुंडीर बर्छी गाड़े डटा हुआ था, गोरी साहब शाह ने हाथियों की सेना तैयार की, फिर धक्का मुक्की करते गरजते चिल्लाते वे आगे बढ़े, दो दीन दीनम कढ़ी बंकी अस्सी, किधो मेघ में बीज कोटि निकस्सी, किए सिप परम कोरता सेल अग्गी, किधो बद्दरम कोर नागिन नग्गी, अर्थात दोनों ने अर्थात हिंदुओं और मुसलमानों ने अपने अपने धर्म का नाम लिया और टेढ़ी तलवारें खींच ली, ऐसा लगा मानो बादलों से करोड़ों बिजलियां निकल पड़ी हों, सिपर अर्थात ढालों को छेद कर उन बर्छियों की नोकें उनमें उसी प्रकार घुस गईं मानो बादलों में पर्वतों की अनेक चोटियां घुस गई हों, हबक्के जुमेछम भ्रमंतम जो छुट्टे, मनोघेरनी घुम्मी पारे व तुट्टे, उरम फुट्टी बर्छी बरम छब्बिनासी, मनोजाल में मीन अधि निकासी, अर्थात मलेच्छों ने हिंदुओं की सेना पर अपनी सेना से उसी प्रकार घेरा डाला मानो घेरनी पक्षी फेरा देकर कबूतर पर झपटा हो, वक्षस्थल को फोड़कर उसकी शोभा नष्ट करती हुई बर्छी दूसरी ओर निकल आई मानो जाल से स्वतंत्र होने के प्रयत्न में आधी निकली हुई मछली हो, लटक के जुरन्नम उड़े हंस हल्ले, रसम भीज सूरम चबक गान सिल्ले, लगे शीस नेजा भ्रमे भेज तथ्यम, वशे बाई संभात दीपत्ति सत्यम, अर्थात जिस प्रकार एक दूसरे से मिले हुए अर्थात एक पंक्ति में हंस आदि पक्षी शोर करते हैं और शोर करते हुए आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार रौद्र रस में भीग कर शूरवीर युद्ध भूमि में बढ़ते जा रहे हैं मानो चौगान खेल रहे हों, सर में बर्छी लगते ही वहीं पर भेजा निकल पड़ता है जिसे कौवे बड़े आनंद पूर्वक भात की तरह खाते हैं, करे मार मारम महावीर धीरम, भय मेघ धारा बरस संत तीरम,
परे पंच पुंडीर सा चंद कढ़्यो, तबे सा ही गोरी से चिन्हाव चढ़्यो। अर्थात धैर्यवान योद्धा मारो मारो कहते हैं और युद्ध भूमि में बाण वर्षा की झड़ी के समान बरस रहे हैं। अंत में पुंडीर वंशी पांच वीरों के गिरने पर चंद पुंडीर ने मुकाबला छोड़ दिया और तभी शाह गोरी चिनाब से आगे बढ़ा। छंद 52। उतरी साहि चिन्हाब धाय पुंडीर लुत्थि पर, उपारयो वर चंद पंच बंधव सुपथ धर, दिश्य दूत वर चरित पास आयो चहुआनम, उपर गोरी नरिंद हास बड्ढी सुरतानम, बर मीर धीर मारूफ ढुरी पंच अनी एकठ जुरी, मुर पंच कोस लाहौर ते मेच्छ मिला न हिस्सो करी। चंद 53। वीर रोस बर बैर बर झुकी लग्गो असमान, तो नंदन सोमेश को फिर बंधो सुरतान। चंद 54। चंद्र व्यूह नृप बंधि दल, धनि प्रतिराज नरिंद साहि बंधी सुरतान, सो सेना बिन विधि कंद। चिन्हाब अर्थात चिनाब नदी धाय पुंडीर लुत्थि पर, पुंडीर वंशियों की घायल लोथ पर, उपारियो उखाड़ दिया अर्थात अपनी रोक हटा दी, पंच बंधव पांच बांधवों के सुपथ धर सुंदर पथ ग्रहण करने पर अर्थात मरने पर, दृश्य देख कर तो ऊपर तुम्हारे बिल्कुल ऊपर हास बढ़ी अर्थात हौसला बढ़ गया है या हास्य बढ़ गया है। बरमीर श्रेष्ठ नायक ढोरी दौड़कर अर्थात जल्दी से, पंच अनि पांच सेनाएं एकठ जुड़ी एक कर लिया, मुर मुड़कर मिलान है मिलान। वीर यहाँ पृथ्वीराज के लिए आया है, बर श्रेष्ठ, बैर शत्रुता, बर जलने लगा आसमान आकाश, झुकी बढ़कर तो नंदन सोमेश को, तभी सोमेश्वर का बेटा हूँ बंधों बांध लूं, सो सौगंध सेना बिन सेना रहित विधिकंद कर डालना। उतरी साह चिन्हाब धाय पुंडीर लुत्थि पर, उपारयो वरचंद पंच बंधव सुपथ धर, अर्थात पुंडीर वंशियों की घायल लोथों पर शाह ने चिनाब नदी पार की, पांच भाइयों के सुंदर पथ ग्रहण करने पर अर्थात मरने पर चंद पुंडीर ने मुकाबला छोड़ दिया। दृश्य दूत वर चरित पास आयो चहुआनम, उपर गोर नरिंद हास बड्ढी सुरतानम। ये सारा वीर चरित्र देखकर एक दूत चौहान के पास गया और यह समाचार दिया कि गोरी आपके बिल्कुल ऊपर आ गया है और सुल्तान का हौसला बढ़ गया है। बरमीर धीर मारूफ ढुरी पंच अनि एकट जुरी, मुर पंच कोस लाहौर ते मेच्छ मिला न हिस्सो करी। धैर्यवान श्रेष्ठ वीर मारूफ खान ने शीघ्रता पूर्वक पांचों सेनाएं एक में कर ली है और मलेच्छ अर्थात मारूफ खान ने यह मिलान लाहौर से पांच कोस आगे किया है, अर्थात मलेच्छ सेना लाहौर के बिल्कुल समीप आ गई है। वीर रोस बर बैर बर झुकी लग्गो आसमान, तो नंदन सोमेश को फिर बंधो सुरतान। वीर पृथ्वीराज का क्रोध और वैर धधक उठा और उसकी ज्वाला आकाश को छूने लगी, अर्थात वीर का क्रोध प्रबल हो करके और आकाश में लगने लगा और उसने कहा, अब मैं गौरी को फिर बांध लूं, तभी सोमेश्वर का बेटा हूं। चंद्र व्यूह नृप बंधि दल, धन प्रतिराज नरिंद साहि बंधि सुरतान, सो सेना बिन विधिकंद। अर्थात यह वचन सुनकर नृप की चंद्राकार व्यूह में बंधी सेना ने पृथ्वीराज को धन्य धन्य कहा और उन्होंने कसम खाई अर्थात उन सैनिकों ने प्रतिज्ञा की कि सुल्तान की सेना को छिन्न भिन्न करके शाह को बांध लेंगे। तो मित्रों, चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो के 27वें संयोग रेवातट संयोग का यह था पांचवा भाग, जिसमें हमने छंद 42 से छंद 54 तक की चर्चा की। आशा है आपको यह वीडियो व्याख्यान पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।